चलिए आज हम लोग दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात कैसे की जाती है उसके बारे में जानेंगे। हम लोग ये अवश्य जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती, जैसे हम लोग नंबर लाइन को जानते हैं, ऑन द नंबर लाइन जस्ट लाइक वी लुक वन एंड टू, ये आपका दो परिमेय संख्या वन और टू। अगर दो परिमेय संख्या है तो इनके बीच में अनंतों परिमेय संख्याएं हैं, एक दो नहीं, चार पांच नहीं, दस बीस नहीं, बल्कि अनंतों, जिनकी हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं, है ना। इसके बीच में हम लोग लिख के जाएंगे, है ना, 1.000001, 1.0002, 1.0000, है ना। इसी तरीके से अनंतों परिमेय संख्याएं किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आपका सवाल है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कुछ परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, वो कैसे ज्ञात किया जा सकता है, उन्हीं के बारे में आज हम लोगों को जानना है। तो लिखा गया है दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। टू फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, है ना, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंतों परिमेय संख्या को ज्ञात करना। हम लोग मान लेते हैं कि कोई भी दो परिमेय संख्या, तो कोई भी दो परिमेय संख्या हो सकता है, जैसे ए और बी हो सकता है, तीन चार हो सकता है, पांच छह कुछ भी हो सकता है, है ना। यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं जहां बी का मान क्या है, ए से बड़ा है, बी इज ग्रेटर देन ए, तो दोनों के बीच एन परिमेय संख्या, एन मतलब पांच, अगर आप बोलेंगे पांच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहां पर पांच क्या है, तो एन है, ठीक है। एन परिमेय संख्या ज्ञात करने का सूत्र है आपका यही जो यहां पर लिखा गया। अगर ये चीज याद हो जाता है, सब चीज याद हो जाता है ना, यही आपका एन परिमेय संख्या, इसी फॉर्मूला की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और ये सूत्र है क्या, ए प्लस बी माइनस ए बार एन प्लस वन। सिमिलरली नेक्स्ट है ए प्लस टू इंटू बी माइनस ए बार एन प्लस वन, ए प्लस थ्री इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, ये आपका डॉट 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 दिखा रहा है, एज सो ऑन चलते रहेगा ये, कहां तक, तो एन तक, ए प्लस एन इंटू बी माइनस ए बार एन प्लस वन, एन आपका जितना होगा उतना तक चलते रहेगा यह प्रक्रिया, चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। तो इन सूत्र की सहायता से हम लोग किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में दो चार पांच दस पंद्रह बीस कितना भी परिमेय संख्या सवाल में कहेगा, हम लोग ये ज्ञात कर सकते हैं। यदि आप अभी इसको सीख जाते हैं तो आपको नाइन्थ क्लास में भी काम आएगा, नाइन्थ क्लास के पहले चैप्टर में भी वहां पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और दो परिमेय संख्याओं के बीच में कई परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल में देखिए लिया गया है तीन और पांच के बीच चार परिमेय संख्या ज्ञात करना, तीन और चार के बीच मान सॉरी तीन और पांच के बीच चार परिमेय संख्या ज्ञात करना, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए क्या दिया गया है, दो ए बराबर तीन दिया हुआ है, जो छोटा वाला होगा उसको हम लोग ए मान लेंगे और जो बड़ा होगा उसको हम लोग बी मान लेंगे, तथा जितना ज्ञात करने बोला है जितना परिमेय संख्या उसको हम लोग एन मान लेते हैं, एन मतलब चार। अब यहां पे हमको क्या दिख रहा है, बी बढ़ता है ए से, पांच बढ़ता है तीन से, सही बात है, पांच होता ही बड़ा तीन से। तो अब देखिए हम लोग करेंगे क्या लिख देंगे, इसलिए तीन और पांच के बीच चार परिमेय संख्या निम्न है, कौन कौन है, तो ये देख लीजिए हम लोग फॉर्मूला पर, ए तो ए, ए के जगह तीन, है ना, ए के जगह तीन प्लस बी माइनस ए, बी के जगह पांच माइनस ए के जगह तीन बटा चार प्लस वन, चार कहां से आ गया, तो एन का वैल्यू, एन क्या चीज है, तो चार परिमेय संख्या, चार प्लस वन। सिमिलरली हर एक जगह हम लोग यही लिखते चले जाएंगे, हर एक जगह, बस चेंज क्या होता है, गौर से देखने को क्या मिलता है हमको, हर एक जगह वही चीज है लेकिन ये गिनती का नंबर बढ़ते जाता है,
यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे फोर, फाइव, देखिए ना, ये थ्री प्लस टू वही चीज है, थ्री प्लस थ्री नंबर बन रहा, बाकी वही चीज है, थ्री प्लस फोर चार तक बोला था तो हम लोग चार तक चलेंगे, अगर पांच को बोलेगा तो हम लोग और एक स्टेप लिखेंगे, यानी कि थ्री प्लस फोर यानी फाइव हो जाएगा, छह सात आठ नौ दस ग्यारह बोलेगा हम लोग इसी तरीके से निकालते चलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ घटा जानते वही काम किया गया, देखिए तीन है तो तीन, पांच में तीन घटेगा दो बचेगा, चार में घटेगा पांच बचेगा, सीधी तरह से वही काम हो जाएगा, तीन है तो तीन प्लस है तो प्लस, पांच में तीन घटेगा दो बचेगा, इसके आगे देखिए कितना है, दो दो दुना चार, नीचे में चार एक पांच, सिमिलरली वही काम है, यहाँ दो बचेगा तीन दुना छह, यहाँ कितना बचेगा दो चार दुना आठ, बाकी सेम वही हर एक जगह के भिन्न का जोड़ है ना, पांच इक्का पांच, पांच को हम लोग तीन से गुना कर देंगे, पंद्रह प्लस दो, पंद्रह प्लस दो यहाँ भी पंद्रह प्लस चार, यहाँ पंद्रह आ जाएगा, भाग वही है नीचे में, तो पंद्रह प्लस छह पंद्रह प्लस आठ बढ़ते पांच, और सिंप्लीफाई कर दिए तो आपका ये निम्न चार परिमेय संख्या हम लोग ज्ञात कर लिए, 17/5, 19/5, 21/5 तथा 23/5। तो इस तरीके से हम लोग किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंतों परिमेय संख्या चार पाँच दस कितना भी बोला जाए हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपका हम लोग यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा नंबर लिए थे तीन और पांच, लेकिन आपके सवाल में सिंपल के साथ साथ में परिमेय संख्या भी दिया गया, थोड़ा सा और जटिल हो जाएगा, जैसे क्या दे दिया गया आपके बुक में, एक जगह पे वो तीन बट्टे पांच दे देगा और बी के जगह पे छह बट्टे आठ दे देगा, ये बोलेगा तीन दे देगा छह सात दे देगा, तीन बट्टे पांच बोलेगा छह बट्टे सात, इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में आप क्या ज्ञात कीजिए, तीन परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमको तो ये पता होना बहुत ही आवश्यक है, अब हम लोग ए और बी लिख ही नहीं पाएंगे जब तक हमको ये पता नहीं होगा कि ये बड़का है कि ये बड़का बड़ा कौन है, जब तक यहाँ पे हम लोग को पता चल रहा था ना कि पाँच बड़ा है तब हम लिख देते थे बी माइनस ए और बी बराबर पाँच, लेकिन यहाँ पे तो हमको पता ही नहीं है बड़का कौन, तो बड़ा कौन है ये भी जानने के लिए हम लोग सिखा चुके हैं आप लोगों को, दो परिमेय संख्या दिया रहेगा, फर्स्ट आपको ये जानना है इन दोनों परिमेय संख्या में बड़ा कौन है छोटा कौन, उसके लिए हम लोग वही एलसीएम वाला मेथड से यानी कि इसका हर को सेम कर देंगे पहले, है ना, एलसीएम ले लेंगे, सात पचे पैंतीस हो जाएगा, पैंतीस को क्या करेंगे हम लोग पांच से भागा दे देंगे तो सात आ जाएगा, है ना, तो हम लोग कर देंगे सात बट्टे सात, और इधर आ जाएगा आपका दूसरा छह बट्टे सात गुना पांच बट्टे पांच, तो सात किया इक्कीस बट्टे पैंतीस और छः पंचे तीस बट्टे पैंतीस, तो जिसका क्या होगा न्यूमरेटर बड़ा होगा वो संख्या बड़ा होगा, यानी कि ये वाला संख्या बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे इसी को बी मान लेंगे और इसको ए मान लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका परिमेय संख्या वहाँ दिया होगा, तो आपको एक्स्ट्रा काम यही करना पड़ेगा, अब बाकी आपको सेम टू सेम फोटो कॉपी कर दीजिएगा, आंसर हाजिर हो जाएगा, ठीक है।